क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाकई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर है।